हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी ध्रुवा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको यूट्यूब के थ्रू आप सब कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, कहां से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आज मैं आप सबको बताने वाला हूं, पूरा स्टेप बाय स्टेप। वैसे बेसिकली आप सबको एक दो या तीन तरीके ही पता होगा यूट्यूब से अर्निंग करने का, लेकिन मैं आज आप सबको एक नहीं दो नहीं बल्कि सात ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप सब सिर्फ एक यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो मिनिमम ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मिनिमम 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर। अगर आपको इसके बीच में भी है तो आपका चैनल एकदम बूस्टअप करेगा और सात तरीके से आप रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आपके चैनल पे सब्सक्राइबर से रेगुलर तो बढ़ेंगे, जैसे ही 5 हज़ार सब्सक्राइबर क्रॉस करेंगे आपका चैनल जो है सात तरीके के मल्टी सोर्स इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। आज मैं आपको वही प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप सब कैसे सात तरीके का इनकम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 5 हज़ार सब्सक्राइबर से। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो सबको नहीं पता होता है, लेकिन आप इससे इजीली पैसा कमा सकते हैं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल चला के, और बहुत ज़्यादा इनकम होने वाली है आप सबकी। यहाँ दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन यार वो नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार, वो दबा दो, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको सात तरीके बता रहा हूँ, तो आप मेरा एक तरीका तो कर दो यार, ठीक है। तो आप नीचे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के तीन पॉइंट जो है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो लास्ट का जो चार पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप सब सुनिएगा ध्यान से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप सब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे और आप बहुत पीछे छूट जाएंगे रील्स में। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो बेसिकली हम सब का, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड मेक वीडियोस कंटिन्यूसली। सबसे पहले आप सबको पता है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा, वीडियो रेगुलर आप लोग को डालना ही होगा, चाहे आप हफ्ते में टाइम बना लीजिए, टाइम फ्रेम हिसाब कर लीजिए, वीक में आपको 2 वीडियो डालना है, 3 वीडियो डालना है, एवरी डे डालना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको रोज वीडियोस डालने हैं। जैसे आप वीडियोस डालेंगे आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, 4000 आवर का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको YouTube से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके वीडियो पे मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। दोस्तों, अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप जो है प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं और उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलता है। ये कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है एफिलिएट लिंक, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए फुल वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिससे आप एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट रीसेल करके आपको कमीशन मिलेगा। तो आपको वहाँ पे एफिलिएट लिंक क्रिएट करना है, उसका प्रोडक्ट का वीडियो आपको यूट्यूब पे डालना है। आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप प्रोडक्ट जो है क्लॉथिंग का, गैजेट का, वहाँ सब प्रोडक्ट उठाइए और वीडियोस यहाँ पे डालिए। आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है। आप जैसे वीडियो अपलोड करेंगे, आप रेगुलर अपलोड करते रहेंगे तो आपका सब्सक्राइबर व्यूज़ इंक्रीज होता रहेगा। और ख़ास बात इसमें यह है कि आपको स्टार्टिंग डेज, फर्स्ट डे से ही आप इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें आप जैसे एफिलिएट लिंक क्रिएट करेंगे आपको जो है पैसा स्टार्ट आना हो जाएगा। जैसे आपका व्यूअर सब्सक्राइबर जो भी होगा वो उस लिंक के थ्रू अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा और ये आपका पहले दिन से इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत सही है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ना तो ज़्यादा पैसा होता है, ना उतना इक्विपमेंट होता है, तो हमें सारा चीज़ मैनेज करना होता है। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने करियर का। तो एफिलिएट लिंक सबसे पहले बना लीजिए, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट में कीजिए, मैं पूरा डिटेल में पूरा प्रोसेस बताऊँगा।
अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्पॉन्सरशिप। आप सबको पता होगा कि स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको मिनिमम 5000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। जैसे ही आपके चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं आपको जो है स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे चैनल को नहीं मिलता है क्योंकि उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग वीडियोस रेगुलर नहीं डालते हैं। कोई वीडियो उनका वायरल हो गया तो उनके चैनल पे सब्सक्राइबर तो बढ़ गए लेकिन वो लोग वीडियो रेगुलर नहीं डालते हैं, तो इसी वजह से उन लोग को जो है उतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर रोज़ वीडियोज़ डालते रहेंगे, टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है स्पॉन्सरशिप मिलेगा। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है 5000 कंप्लीट होने के बाद, तो आप खुद से ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। वैसे तो ब्रांड ही अप्रोच करेगी आपको पहले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है इन केस तो आप जो है खुद से ब्रांड को अप्रोच कीजिए, 2-3 ब्रांड को अप्रोच कीजिए कि सर मेरे चैनल पे इतना व्यूज़ आता है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं आपका प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। तो वो लोग आपको रिव्यू यूनिट भेजेंगे, उनका वीडियोज़ डालेंगे और आपको वो पैसा भी देंगे। तो अगर ये ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है ये नहीं आता है आप लोग को, तो नीचे वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक पूरा वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट का। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम्स, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ तो दोस्तों अभी आपके चैनल पे 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए होंगे और रेगुलर व्यूज भी आ रहे होंगे अच्छे खासे, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, और आपके जो व्यूवर्स सब्सक्राइबर जो होंगे वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, परचेज करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सेल इंक्रीज होगा। अभी इसमें आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, जैसे कोई भी टी शर्ट हो गया, कैप, वॉचेस, हेडफोन्स, अलग अलग तरह के छोटे प्रोडक्ट्स जिसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कम से कम 100 पीस बनवाइए, उसमें जो है अपना ब्रांड का एक लोगो डालिए और उसको जो है अपने वीडियोस में प्रमोट कीजिए। जैसे ही आपके व्यूअर्स उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपके ब्रांड का प्रमोशन होगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, और किसी को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, किसी भी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब आपको क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सबसे पहले कॉन्टैक्ट करना होगा, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा। उससे पहले आप एक वीडियो डाल दीजिए यूट्यूब पे कि मैं अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, आप सब सजेस्ट कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना चाहिए। जैसे आपको उस पर मतलब रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो जिस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा मैसेज आएंगे, रिस्पॉन्स आएगा, उसके वही प्रोडक्ट आप बनाइएगा। और उसके बाद जैसे आपका प्रोडक्ट बन जाए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेबसाइट बनाना होगा एफिलिएट, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वैसे एक अपना वेबसाइट बनाना होगा, प्रोडक्ट वेबसाइट। प्रोडक्ट वेबसाइट कैसे बनता है अगर वो भी नहीं पता है तो नीचे कमेंट करो ना यार, क्यों नहीं करते हो आप लोग, नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। तो एफिलिएट वेबसाइट आपको बनाना है, उसके बाद जैसे आपको हर वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालना है और हर वीडियो के लास्ट में आपको प्रमोट करना है अपना प्रोडक्ट। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे आपको 100% सक्सेस मिलेगी, आपका जो सेल इंक्रीज होने लगेगा और इसी के थ्रू आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं मार्केट में। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यार, सब्सक्राइब करो ना अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे आप जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे DM कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कैसे करना है सारा चीज़, तो जाइए और मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वेबसाइट ब्लॉगिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सब अभी तक ब्लॉगिंग नहीं किए हैं तो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना होगा, जो भी आप यूट्यूब का टॉपिक ढूंढते हैं उसी टॉपिक को आपको वहाँ पे टाइपिंग करके ब्लॉग पोस्ट बनाना होगा,
और गूगल पे अपलोड करके उसे ट्रेंडिंग करना होगा। जैसे आपके ब्लॉग पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगा, आपका रिवेन्यू वहाँ से भी जनरेट होने लगेगा। तो आपको वेट नहीं करना है, सभी तरफ से इनकम सोर्स का जनरेट करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। थोड़ी स्टार्टिंग में आपको वहाँ से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उसी को कॉपी करके आपको वहाँ पे पूरा टाइपिंग करके पूरा एक सिक्वेंस बना के इंटरेस्टिंग तरीके से प्रजेंट कीजिए लोगों को, लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे। तो आपको जो है ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट बना के उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना है वेबसाइट का, ताकि आपके वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाएँ आप लोग। तो यार है ना बहुत इंटरेस्टिंग यार, तो लाइक तो करो यार। तो दोस्तों अब जो हमारा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके 10,000 सब्सक्राइबर जाए, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने सब्सक्राइबर को दूसरे प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करके वहां से भी रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपके सब्सक्राइबर है 10,000, उन सब्सक्राइबर को बोलिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर जैसे वो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका जो 10,000 फॉलोअर अगर इंस्टाग्राम पे हो जाता है, तो आपका जो है वहां से भी स्पॉन्सरशिप मिलने लगता है, और जैसे स्पॉन्सरशिप आपको मिलने लगता है तो आपका रिवेन्यू जनरेट होने लगता है। आप एक पोस्ट डालेंगे और आपको एक पोस्ट का 500 रुपया मिलेगा। मतलब अगर आप दिन में 10 से 20 पोस्ट भी डालते हैं, तो आपको कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे मंथली, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर सब प्लेटफॉर्म पे अगर आप वर्क करते हैं अच्छे से। तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा है फैन, गेट योर फैन पे। जैसे वैसे ये रिवेन्यू में काउंट नहीं होता है कि आपका इनकम होगा, ये आपके फैन का सपोर्ट हुआ, प्यार हुआ तो आपको मिल सकता है, वरना नहीं भी मिल सकता है। इसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। जैसे आपका जो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब पे लाइव आने का। जैसे आप लाइव आएंगे, तो आपको जो है आपके जो फैन होंगे, जो आपको बहुत तगड़ा वाला फैन जो चाहते होंगे आपको, वो आपको गिफ्ट सेंड करेंगे, पैसे सेंड करेंगे। यूट्यूबर है उनको जो है हमेशा जैसे ही लाइव आते हैं वो लोग, तो उनके फैन लोग जो है उनको पे करते हैं कुछ पैसे, जिनसे उनका नाम आ सके, नाम वो बोल सके जिनको वो भेजते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये रिवेन्यू में काउंट नहीं होगा आपके इनकम सोर्स में, ये आपका एक सपोर्ट हुआ जो आपके फैंस के दिल में आपके लिए है, तो इसको काउंट मत कीजिएगा। मैं आपको बता दिया हूँ कि ऐसे भी इनकम आती है मतलब। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए, इसके बारे में बताइए कि हाँ कैसे आप इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल इनकम सोर्स। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।